किए हैं बागेश्वर वहाँ पे? नहीं नहीं पहले बात मत, आप पूछिए आप क्या क्यों संविधान, क्या संविधान आपको जूता सम्मान नहीं बोला? ये सिर्फ और सुन लीजिए, रीजन सुन लीजिए आप, ये सिर्फ और सिर्फ सच्ची लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए कि इस ये किसका अधिकार है कि बागेश्वर बाबा को बिहार आने से रोक देगा? आपका पहचान तो आपने बता दिया, लेकिन आपने ये क्यों नहीं कहा कि अविवाहित महिलाओं का पहचान क्या है? और अगर आपने अविवाहित महिलाओं का पहचान नहीं बताया तो इनडायरेक्टली आपका कहना है कि विवाहित महिलाओं का ये पहचान है, बाकी अविवाहित महिलाएं यानी हमारे भारत देश की जितनी कुंवारी कन्याएं हैं वो क्या है, खाली प्लॉट। अधिकार है पूरा बात बोलने का, पूरा बात सुनने का अधिकार आपको नहीं है? आपने सुनिए पहले, शांत रहिए, रुकिए, बागेश्वर तीन लोग नहीं शेर अकेली होता है, अगर आप शेर तो अकेली लड़िए। हाँ तो लड़िए, लड़िए, बोल रहे हैं, बोलिए, बोल रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया है, धारा इतना लगता है, धारा इतना लगाइए ना, काहे के लिए वीडियो में फिल्म ले बटोर रहे हैं? उनका जुबान तब बंद हो जाता है ना, इतना डिबेट कर रहे हैं ना, अभी जुबान बंद है ना। स्टालिन जो है वो उस तरह का विवादित बयान दिया है, ये बोलेंगी कुछ नहीं बोलेंगी? इनके बातचीत था कि जो अपने बाबा को लेकर के जो बोला था कि नहीं, ये जो खाली प्लॉट वाली जो बात थी इसको लेकर के अपने बाबा के लिए कुछ अपशब्द बोला था, लेकिन जो सनातनी लोग हैं उन लोग का कहना है कि नहीं आपने गलत बोला था, तो आपने आखिर क्या सोच के बोला कि नहीं ये बाबा ने गलत बोला? देखिए सबसे पहले शायद जो लोग ये बयान नहीं सुने हैं, जो लोग ये लोग ये बयान नहीं सुने हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या बयान दिया है, एक बार हम उस बयान को दोहराना चाहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री का बयान ये था कि सनातन, हमारे सनातन धर्म की महिलाएं जो गले में मंगलसूत्र, विवाहित महिलाएं जो गले में मंगलसूत्र पहनती है और मांग में सिंदूर लगाती है, नहीं लगाती है, समझो वो खाली प्लॉट है। मतलब विवाहित महिलाओं का पहचान है गले में मंगलसूत्र होना और मांग में सिंदूर होना। अगर गले में मंगलसूत्र नहीं है और मांग में सिंदूर नहीं है तो हम समझते हैं कि वो खाली प्लॉट है भाई, हम उसका रजिस्ट्री कर सकते हैं। ये उनका बयान था। हमने उनसे पूछा था कि विवाहित महिलाओं का पहचान तो आपने बता दिया, लेकिन आपने ये क्यों नहीं कहा कि अविवाहित महिलाओं का पहचान क्या है? दूसरी बात, जो विवाहित भी है किसी कारणवश उनके पति का देहांत हो गया है, जिसमें हमारे सेना की पत्नियां भी हैं, जिसमें हमारे घर की भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका पति का किसी कारणवश देहांत हो गया, जो विधवा हो गई हैं, ना वो सिंदूर लगा सकती हैं और ना ही वो मंगलसूत्र पहन सकती हैं, तो क्या हम उसको खाली प्लॉट से संबोधित कर सकते हैं? और अगर बात कुंवारी बेटियों को लेकर, तो क्या हम उसको खाली प्लॉट से संबोधित कर सकते हैं? अगर हमारे सामने कोई आए और हमें खाली प्लॉट से संबोधित करे तो उसका सम्मान हम जूता से करेंगे, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। और हमारे पीछे इतने लेकिन आपने बाबा को जो जूता बोला था जूता, क्योंकि उनको पूरे बिहार के ही नहीं पूरे भारत के लोग जो है सो उनको बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं, आखिर हो सकता है उनका कहने का कुछ और मकसद होगा? अच्छा, ये बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों से बात कहने का इंटेंशन ये था कि जो लड़कियाँ शादीशुदा है, जिनकी शादी हो रखी है, वो अगर सिंदूर नहीं लगाते हैं तो उनके बारे में एक मिनट के लिए अगर हम बात कर ले, हिंदू धर्म की भी महिलाएं जो शादीशुदा हैं और सिंदूर नहीं लगाती है, इसका अधिकार किसने दिया आपको? आप उसको खाली प्लॉट से संबोधित कर सकते हैं? बहुत सारी ऐसी पढ़ी लिखी महिलाएं आज की डेट में हैं जो वेस्टर्न कल्चर को अपनाने में विश्वास रखती हैं। हमारा देश पहले लोग, हमारे पिताजी धोती कुर्ता पहनते थे दादाजी, और आज हमारे पापा चाचा जींस शर्ट पहनते हैं। हम लड़कियां पहले सूट और साड़ियां में नजर आती थी, आज हम लड़कियां बदल के अपना ड्रेस जींस और टॉप पहनने लगे हैं। सुना, धीरे धीरे हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे, हम ही नहीं पूरा भारतवर्ष का ये घटना है। आप भी एक पत्रकार हैं, आप भी वेस्टर्न कल्चर को कहीं ना कहीं अपना रही हैं, और इस बात में कहीं से भी कोई दो राय नहीं है, तो फिर हमें किसी को खाली प्लॉट कहने का अधिकार कि उसको धीरेन्द्र शास्त्री को किसी को खाली प्लॉट कहने का अधिकार किसने दिया? आपको जूता से मारने का अधिकार किसने दिया है? हमारे आपको आपको बोलिए, अगर हमारे देखिए हम बता रहे हैं कि सिंपल बात है, लोग को यहाँ शास्त्री लोकप्रियता चाहिए, अपना चेहरा को फेमस करना चाहिए। मनीष कश्यप का अपना चेहरा पूरे हिंदुस्तान का युवा आइकन का बन गया है ना, कि हर लोग चाह रहे हैं ना कि हमारे साथ जहां भी जाए हजारों के संख्या में लोग सेल्फी लेने के लिए तैयार हो जाए। सबसे बड़ा बात है कि जो बढ़िया काम करेंगे उनके पक्ष में बोलने वाले दिखाने वाले कोई नहीं है, अगर कोई थोड़ा सा टंग स्लिप भी होता है तो हो जाए तो उनको पर जूता से मारेंगे, जूता के माला पहनाएंगे, जबकि शक्ति उनको उनके पास जाने का नहीं है, उनको जेड सुरक्षा मिला है, इस चीज को मानना होगा। बिहार के एक विधायक होता है उसके पास हम लोग को जाने, आज के डेट में ऐसे कई पंचायत के मुखिया हैं कि जिनके सामने आंख से आंख डाल करके हम नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन हम किन से बात कर रहे हैं जो पूरे हिंदुस्तान के बल्कि दूसरे देश में जाकर के 2 बजे रात्रि के दरबार लगा रहे हैं उनके बारे में हम उल्टा बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें लोकप्रियता चाहिए, हमारा चेहरा को फेम चाहिए। पहले आप सुनिए,
आज तक धीरेन्द्र शास्त्री जो हमारे मतलब बागेश्वर बाबा है वो बहुत अच्छी बात अभी कही है। आपका उनके पक्ष में एक भी वीडियो क्यों नहीं आया? कन्या विवाह क्यों नहीं करवा रहे हैं? इतना वो मदद कहाँ, बताइए क्यों नहीं? अगर कोई इंसान 99 अच्छे काम करता है तो उसका एक गलत काम करने का राइट्स नहीं है। अगर कोई 99 अच्छे काम करता है तो उसको मर्डर करने का अधिकार नहीं है हमारे संविधान के अनुसार। अगर वो 100 में 100 अच्छे काम करेगा तभी, अगर कोई आदमी 100 में 99 अच्छे काम करता है दुनिया उसको नहीं कुछ कहती है, लेकिन एक गलत काम कर देता है उसको लोग फांसी के सलाखों तक पहुँचा देता है। अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है, हमने इस बात में शायद कुछ लोग हमारे आधा स्टेटमेंट सुने होंगे और कुछ अन्य स्टेटमेंट नहीं सुने होंगे, हमने कहा कि वो हिंदू धर्म के प्रचारक है इससे भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो हिंदू धर्म का बढ़ावा करे, भक्ति का प्रचार करें, इससे भी हमें कोई आपत्ति नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ आपत्ति इससे है कि उन्होंने हमारे देश की महिलाओं का अपमान किया, जिसके बदले में हमने उनसे ये बात कही। और दूसरी बात, महिलाओं का अपमान करना भी हमारे संविधान में कानूनन जुर्म है। धारा 354 डी के तहत उन पे कार्रवाई हो सकती है जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां करे। एक मिनट, बाबा है वो अपने जगह, जो उनको मानते हैं डजंट मैटर, हम नहीं मानते हैं, उनकी इच्छा वो मान सकते हैं, हमने किसी को मानने के लिए मना नहीं किया। आप मान सकते हैं लेकिन आपका कोई अधिकार नहीं है महिलाओं पर। आप बाबा को मानिए ना मानिए उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सनातन धर्म को आप नहीं मानती है तो आप दूसरे धर्म में परिवर्तन हो जाइए। मेरे सनातन धर्म के बारे में चिल्ला के जवाब दिए। एक सेकंड भैया चुप हो जाइए। ये धर्म माने ना माने, हाँ, ये इनका आजादी। हाँ बिल्कुल ठीक, अपना आजादी है, लेकिन हाँ, आप हमारे धर्म के विरुद्ध नहीं, एक वर्ड नहीं बोल सकते। अगर आपको बोलने का अधिकार है, कोई कानून आपका धर्म परिवर्तन कर लीजिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। एक सेकंड आप रुक जाइए। आप ही को अधिकार है पूरा बात बोलने का, पूरा बात सुनने का अधिकार आपको नहीं है। आपने सुनिए पहले, शांत रहिए, रुकिए। बागेश्वर तीन लोग नहीं, शेर अकेले ही होता है। अगर आप शेर तो अकेले लड़िए। बोल रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया है, धारा इतना लगाइए ना, काहे के लिए वीडियो में बटोर रहे हैं? उनका जुबान तब बंद हो जाता है ना, इतना डिबेट कर रहे हैं ना, अभी जुबान बंद है ना। स्टालिन जो है वो उस तरह का विवादित बयान दिया है, ये बोलेंगी कुछ नहीं? बोलेंगी नहीं, इनके जुबान में नहीं निकलेगा ये चीज। ये तब निकलेंगी जब इन पे सवाल किया जाएगा, तब जाकर। एक सेकंड रुक जाइए। आप हमको बोले, आपने एक पहले आपका जवाब हम देंगे महिलाओं पे, पहले महिलाओं पे सुन लीजिए। आप महिला पे सुन लीजिए, आप भी उंगली नीचे कीजिए। आप उंगली नीचे, आप क्या, ये भारत के प्रधानमंत्री हो? आपका हर वीडियो में उंगली ऊपर आता है क्या? आप भारत के प्रधानमंत्री हो क्या? पहले सुनिए। देखिए, सबसे बदतमीजी कोई नहीं कर रहा है, बदतमीजी कोई नहीं कर रहा है। गलत बात मत बोलिए। आराम से चलिए। देखिए, बागेश्वर बाबा ने महिलाओं के लिए खाली प्लॉट बोला या नहीं बोला वो हम नहीं जानते हैं। अगर बोले तो इनका मानना है कि बागेश्वर बाबा ने गलत बोला, महिलाओं के खिलाफ बोलने पर इस प्रकार का कानूनी अपराध होता है। मैं इनसे पूछा तो गए क्या, FIR किए? FIR आप किए हैं बागेश्वर बाबा पे? पहले बात मत, आप पूछिए, आप क्या क्यों संविधान, क्या संविधान आपको जूता समान ये सिर्फ और सुन लीजिए, रीजन सुन लीजिए आप, ये सिर्फ और सिर्फ शक्ति लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए। ये किसका अधिकार है कि बागेश्वर बाबा को बिहार आने से रोक देगा? उसमें आपकी मुंह क्यों नहीं खुला था? बागेश्वर फिर गांव में हम जूता के माला पहनाएंगे आप बागेश्वर बाबा को? नहीं, गलत बात नहीं बोली है ना, बोली है ना, आप लोग बोलिए ना भाई, बोले हैं कि नहीं बोले हैं? सब लोग हमने मणिपुर के मुख्यमंत्री को सुन लीजिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब को इतना प्रेम क्यों है? राजस्थान के मुख्यमंत्री से जवाब सुनते हैं ये लोग, नहीं चिल्लाना, यही आदत आप लोग का खराब है। अभी आपसे पहले हमने तीन लोगों को स्टालिन के बेटे पे इंटरव्यू दिया है, कहाँ गए देवराज? हमने अभी स्टालिन के बेटे को गलत कहा, इंटरव्यू दिया, पहला प्रमाण। एक मिनट, दूसरा प्रमाण, दूसरा प्रमाण आप किसी को रोक सकते हैं? भागवा लपेट करके, भागवा, अरे भागवा लपेट के जा परी, हर एतवार के 400 लोग को भोजन कराते हैं, ये लोग को भोजन कराते हैं, ये लोग को भोजन कराते हैं, भागवा लपेट के, भागवा लपेट के भोजन करवाते हैं आप 400 लोगों का, श्री राम का नाम तो भोजन करवाते 400 लोगों का करवाते हैं नहीं भैया? 3.5 साल से क्या बात कर रहे हैं? साहब को आप गलत नहीं बोल सकते हैं, सब भगवाधारी को आप गलत नहीं बोल सकते हैं, जो भगवा लपेट करके चंदन टीका करके आप सबके साथ छेड़खानी कर रहा है उसको गलत बोलिए, सबको नहीं बोल सकते हैं। पूरी बात हम सुन रहे हैं, भगवाधारी को आप गलत नहीं बोल सकते हैं। हमने ये कहा कि जो माथे में भगवा लपेट कर माँ बहन का मर्यादा भूल जाएंगे वो सनातन धर्म के दिखावा करेंगे। कोई नहीं भूलता है, वो जिसका आप बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, आगे सुना देते हैं,
गर्मी कुछ नहीं है, लाते नहीं है बहन, काम करते हैं, काम काम बाहर में जाके देखिए, प्रत्येक दिन रोटी बैंक चलाया जाता है, हर प्रत्येक रविवार यहाँ पे रोटी बैंक चलाया जाता है। इसकी बात आप जिक्र नहीं करते कि भगवाधारी गरीब को खिला रहा है, भगवाधारी गरीब को खिला रहा है, आप कितना बार बोले हैं? सुनिए भगवाधारी गरीब, कितना बार बोली हो? एक बार बोली हो आप? सुन भी नहीं करें मेरा जवाब, जवाब दीजिए आप। सुनिएगा तब ना देंगे, सुनिएगा तब ना देंगे, सुनिएगा तब ना देंगे। धर्म विरोधी बात नहीं सुनते हम, धर्म विरोधी बात नहीं सुनते हम, धर्म का विरोध नहीं किए हैं। ये लोग जबरदस्ती यहाँ बात रख रहे हैं, चार लोग देखिए कैसे चढ़ के बोल रहे हैं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। हमने कहा कि हम सनातन धर्म, पहले भी हमने कहा कि हम सनातन धर्म का विरोध नहीं करते हैं, अगर धीरेंद्र शास्त्री सनातन धर्म का प्रचार करता है हमें कोई आपत्ति नहीं है, मैंने आपको कहा। दूसरी बात सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए, धीरेंद्र शास्त्री अगर भक्ति का प्रचार करता है हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हर इंसान को, सर हर इंसान को संविधान आजादी देता है अपने धर्म की प्रचार करने की, भक्ति की प्रचार करने, हमें उस बात से कोई आपत्ति, हमें सिर्फ आपत्ति एक बात से थी कि उन्होंने महिलाओं का असम्मान उसने किया, जिस बात से हमें आपत्ति थी।